हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएससी फिजिक्स प्रैक्टिकल क्यूरी टेम्परेचर के बारे में। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा ये प्रैक्टिकल में आपको पहले लिखना क्या क्या है, फिर इसमें वाइवा रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको बताऊंगा। तो पहले आपको लिखना क्या है ये आपको बता देता हूँ। तो ऑब्जेक्ट इस प्रैक्टिकल का है जो क्यूरी टेम्परेचर है, टू फाइंड द रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ बैरियम टाइटनेट बाय द मेथड ऑफ क्यूरी टेम्परेचर। यानी क्यूरी टेम्परेचर से आपको बैरियम टाइटनेट का रिलेटिव परमिएबिलिटी निकालनी है क्यूरी टेम्परेचर मेथड से। तो इसमें अपरेटस क्या क्या लगेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किट लगेगी, ओवन डाइलेक्ट्रिक सेल लगेगा, डीएसओ लगेगा और कनेक्टिंग वायर्स लगेंगे। ये डीएसओ क्या है ये मैं आपको एक फिगर लगा दे रहा हूँ, आप देख के समझ लीजिएगा। फार्मूला यूज्ड मतलब आपको जब रीडिंग मिलेगी तो आप किस फार्मूला से कैलकुलेशन करेंगे, वो कैपेसिटेंस निकालने के लिए ये फार्मूला आप यूज़ करेंगे और फिर कैपेसिटेंस निकल जाएगा तो आप रिलेटिव परमिएबिलिटी इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद अब मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूँ। इसमें सारे जो टर्म्स यूज़ किए हैं उसका मीनिंग क्या है ये आप यहाँ से देख सकते हैं। सी डी सी यानी कैपेसिटेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक सेल, सी ओ यानी कैपेसिटेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक सेल विदाउट बी ए टी आई ओ थ्री। अब मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूँ। तो प्रोसीजर में आप जो पहला काम करते हैं वो करते हैं कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन क्या होता है, कैलिब्रेशन आप सी आर ओ में यानी कैथोड रे ऑसिलोस्कोप में सेट करते हैं, उसमें आप साइनोसोइडल वेव्स बनाते हैं। इसलिए ये हम लोग क्यों करते हैं कैलिब्रेशन, जिससे हमारी रीडिंग में एक्यूरेसी आए और जो रीडिंग में ग्राफ बने हमारा वो स्मूथ बने। तो इसमें मतलब ये एरर को हमारे कम कर देता है कैलिब्रेशन करने से। तो कैलिब्रेशन के क्या स्टेप्स हैं ये आपको दिया हुआ है। कैलिब्रेशन करने के बाद आप क्या करेंगे, वायर को ऑसिलोस्कोप से डिसकनेक्ट करके हॉट एयर ओवन में लगाएंगे और उसके बाद आप उसमें बैरियम टाइटनेट जो केमिकल कंपाउंड है आप उसमें रखेंगे और थर्मोकपल लगाएंगे और आपको एक क्लोज्ड करने के लिए ऊपर से ढकने के लिए एक ऑब्जेक्ट मिलता है, उससे आप ढक देंगे जिससे हीट बाहर ना जाने पाए, क्योंकि ये जिसमें आप रीडिंग लेते हैं ये अलग अलग टेम्परेचर पर लेते हैं, तो इस वजह से ऐसा करते हैं। प्रोसीजर आप पढ़ सकते हैं, वैसे समझाने के लिए मैंने आपको समझा दिया है कि आपको करना क्या है। तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ रीडिंग कैसे लेनी है। जैसे कि यहाँ आपको लिखा होगा जो जब SC1 आपको कब चूज करना है, जब आप 90 डिग्री सेल्सियस तक की रीडिंग लेंगे तो आप में उसमें आपको SC1 तक सेट करना है डाइलेक्ट्रिक किट में, और उसके बाद जब 90 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर हो जाए तो SC2 पे सेट करेंगे और फिर 115 से ऊपर जाए तो SC3 पे आप सेट कर देंगे। तो इससे इस तरह से आपको रीडिंग 130 डिग्री सेल्सियस तक लेनी है। ऑब्जर्वेशन टेबल इसका किस तरह बनेगा, कुछ इस तरीके का बनेगा। एक में टेम्परेचर होगा, अलग अलग टेम्परेचर पर SC1 की रीडिंग, SC2 की रीडिंग, SC3 की, कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे, फिर कैपेसिटेंस से ही हमारी रिलेटिव परमिएबिलिटी आएगी तो वो कैलकुलेट हो जाएगी। आपको मैं एक रीडिंग दिखा देता हूँ कैसे होगी। ये देखिए, तो रीडिंग आप इसमें देख सकते हैं कैलिब्रेशन पॉइंट, जैसे हमें 3.87 वोल्ट मिला, यानी इस पे हमारी साइनोसोइडल वेव्स बनी सीआरओ में, और सी नॉट इसकी वैल्यू फिक्स होती है विदाउट डाई, मतलब जब हम लोग बैरियम टाइटनेट के बिना उसका निकालते हैं कैपेसिटेंस, तो 0.002411 आता है। इस तो हम लोग अलग अलग टेम्परेचर, जैसे देखिए मैंने 30 से लेकर 90 तक या 100 के अप्रॉक्स मैंने निकाली SC1 पे, फिर SC2 में हमारी रीडिंग गई है, फिर SC3 में जाएगी। तो इस अलग अलग वैल्यू के लिए आप कैलकुलेशन कर लेंगे। कैलकुलेशन कैसे करेंगे आप, जो मैंने आपको शुरू में फॉर्मूला बताया था उसमें आप वैल्यू रखेंगे। SC1 के लिए जो कैपेसिटेंस होता है वो 20 nF होता है, SC2 के लिए 31 nF होता है और SC3 के लिए 42 nF। तो ये वैल्यू फिक्स होती हैं, तो इसमें आपको मैं बता दे रहा हूँ। इसलिए कैलकुलेशन करते समय SC1 जब आप SC1 क्लिक करेंगे तो वहाँ कैपेसिटेंस की वैल्यू 20 से मल्टीप्लाई करेंगे जो आपकी रीडिंग होगी, उसके बाद आप रिलेटिव परमिएबिलिटी निकालेंगे। इसी तरह आपको सारे टेम्परेचर के लिए निकालना है। तो आप जैसे देख सकते हैं मेरा रिजल्ट क्या आया था कि बैरियम टाइटनेट की जो मेरी रिलेटिव परमिबिलिटी आई थी 9058 आई थी और क्यूरी टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस आया था। जो रेफरेंस वैल्यू जो होती है रिलेटिव परमिबिलिटी की वो अप्रॉक्स 8850 होती है और क्यूरी टेम्परेचर 120 होता है। तो इसका ग्राफ कैसा बनता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जब आप टेम्परेचर वर्सेज रिलेटिव परमिबिलिटी का ग्राफ बनाएंगे तो वो कैसा दिखेगा। तो जो आपने परमिबिलिटी निकाली और उसका अलग अलग टेम्परेचर पे, तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा। पहले एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा, फिर वही जो मैंने बताया था आपको एक पॉइंट मिलता है क्रिटिकल पॉइंट, उसके बाद वो डिक्रीज करना शुरू कर देता है।